भाभी जी की मुस्कान की तरह। The voice में है जान। जैसे भाभी जी हमें पकड़े हैं वैसे ही पकड़ के रखिए कल से द वॉइस मेहरबान। अरे देखो भैया ऐसा है जो गोरिल्ला है ना बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है, इसे सरकार ने हमारी ड्यूटी लगा दी है। बड़े काबिल आदमी की ड्यूटी लगाई है। अनु जो इंसान अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता वो आपकी हिफाजत क्या खाक करेगा। माफ कीजिएगा तिवारी जी, डर के तो कल आप भी भाग गए थे। नहीं वो क्या ना भाभी जी उस वक्त हमारे पास ये नहीं थी ना, ये देखिए आपके पास तो गन है। जी भाभी जी, और वो भी लाइसेंस के साथ। वो क्या ना हम ठहरे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जेबें नोटों से भरी रहती है तो हिफाजत तो करनी पड़ती है ना भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी। तो भाभी जी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के लिए ये खूबसूरत गुलदस्ता। ये आपकी गन। ठीक है आराम से आराम से। लड्डू के भैया का क्या हाल कर दिया है गोरो लल्ला ने। अरे वो गोरो लल्ला नहीं वो कारो लल्ला था। भाभी जी गोरिल्ला बोलने की कोशिश कर रही हैं तिवारी जी। सही पकड़े हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए कहीं तिवारी जी को कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है, जिस तरह से वो गोरिल्ला उनको जमीन पे गिरा कर धो रहा था ना। लड्डू के भैया आपके पास तो तमंचा भी था ना, काहे नहीं चलाए। अरे तमंचा चलाने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही वो कमबख्त खेल कर गया तमंचा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जब गोरिल्ला विभू के सामने आया था तो सिर्फ दहाड़ मार कर चला गया, तो फिर तिवारी जी को इतना धोया क्यों उसने। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आई भाभी जी, हमें वो ऐसे धो रहा था जैसे उसकी हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हो। आपने कभी किसी जमाने में उसे कच्चे बनियान बेचे होंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, गोरिल्ला क्या कच्चा बनियान पहनता है। अरे आप भी तो पहनते हैं कि नहीं पहनते ये हैं? क्या आदमी है आप। लोगों की कच्चे बनियान की बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ कहूँ। हाँ डॉक्टर साहब बताइए ना इनको कहाँ कहाँ चोट लगी है। भाभी जी ये पूछिए कि चोट कहाँ कहाँ नहीं लगी है। अरे थोड़ा धैर्य धरो अंगूरी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे हम निकल लिए। प्रैक्टिस कर रही है वो। भाभी जी घबराइए नहीं, फिलहाल मैं तिवारी जी को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ तो जो दर्द हो रहा है ना उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। घबराइए नहीं भाभी जी, धीरे धरिए, ऊपर भगवान नीचे हम हैं ना, सब लोग हैं। तिवारी जी
भू? क्या है वो? क्या गोरिल्ला? वो 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 गो 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 गोरिल्ला रीता जी को फूल दे गया। अनीता, ये क्या चक्कर है यार? मुझे समझ में आ गया एक्चुअली चक्कर क्या है। तो बताओ ना चक्कर क्या है यार? इस गोरिल्ला ने तिवारी जी को इसीलिए धोया क्योंकि तिवारी जी ने मुझे फूल देने की कोशिश की और ये बात गोरिल्ला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। का मतलब गोरिल्ला को नीता जी से प्यार हो गया है का? है? तो 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 फिर ऐसे में तो फिर गोरिल्ला को भभूति जी को धोना चाहिए था। माफ कीजिएगा, मुझे क्यों धोना चाहिए था? क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड के पति हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अनीता एक गोरिल्ला से अफेयर करेगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक मिनट, आप सब लोग की क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं? मुझे पूरी कहानी पता चल गई है। क्या कहानी? अंगूरी जी, एक्चुअली हुआ क्या कि रात को गोरिल्ला हमारे बेडरूम में घुस आया था। उस समय बबू बेडरूम में थे नहीं, वो ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गया। क्या बात कर रही हैं आप? जब मैं अंदर आई बेडरूम में, मैंने सोचा कि ब्लैंकेट में विभू सो रहा है, तो मैंने उसे पुचकार दिया, प्यार से हाथ लगा लिया, किस कर दिया। गोरिल्ला को मुझसे प्यार हो गया है। अनजाने में ही सही, कमबख्त गोरिल्ला आनंद ले गया। मैं उस गोरिल्ला को, अरे कुछ नहीं कर पाएंगे आप, वो भाभी जी को उठा के ले जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? गोरिल्ला क्यों मुझे उठा के ले जाएगा? अगर उसे उठाकर ले जाना होता ना तो अभी तक ले जाता। अरे हम उसे गोली मार देंगे। तिवारी जी, क्यों गोली मारेंगे आप गोरिल्ला को? क्या जानवर इंसान नहीं होता? क्या जानवर में दिल नहीं होता? क्या जानवर को किसी से प्यार करने का हक नहीं होता? आपने तो जानवर को ही हक दिया है प्यार करने का, हमें तो दिया ही नहीं। तिवारी जी, फिर आपके होठ यूं हिल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मतलब जानवर भी इंसान होता है, बस यही कहना चाह रहे हैं। और वैसे भी मुझे बचपन से ही गोरिल्ला बहुत पसंद है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ सासू माँ, मैंने विभू को डॉक्टर को दिखा दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, खून की जांच करवा रही उसकी, कहीं निमोनिया तो ना हो गया उसे? सासू माँ, उन्हें निमोनिया नहीं, भयमोनिया हो गया है। भयमोनिया? बहू ये भयमोनिया क्या है? सासू माँ, भयमोनिया मतलब भय यानी कि डर की बीमारी। माफ कीजिएगा, आपका बेटा विभू बड़ा डरपोक है। अरे क्या कह रही है तू? मैंने डरपोक का चड़ू पैदा करा है? जी बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे तू ना उसे टाइम पे खाना खाने को देवे, 24 घंटे उस पर चिल्लाती रहे, ऐसे वो डरपोक ना होएगा तो क्या और क्या होएगा? देखिए सासू माँ, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। जी नहीं बहू, मैं एकदम सही इल्जाम लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चल तू मेरी बात करवा दे, मैं मान जाऊंगी। सासू माँ, विभू सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगी। अच्छा ठीक है, तू बात ना करवा रही तो मैं आ रही हूँ घर। नहीं नहीं नहीं, सासू माँ मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। एक्चुअली हमारी कॉलोनी में ना गोरिल्ला आ गया है और वो गोरिल्ला आपको भी उठा के लेके जा सकता है, और अगर आपको लेकर गया तो फिर विभू मुझसे कहेगा कि मेरी माँ को तुमने क्यों आने दिया। हाँ ये बात तो तू ठीक कह रही है भाऊ। अच्छा सुन, जैसे ही गोरिल्ला पकड़ में आ जाए ना, तू मुझे मिस कॉल दे दियो, फोन मैं कर लूंगी और फिर मैं चली आऊंगी तेरे घर। हाँ ओके ठीक है। अच्छा सुन सुन भाऊ, फोन मत काटियो, मेरी बात सुन, अब ना खचेड़ू को घर से बाहर बिल्कुल मत निकलने दियो। ओके अच्छा, अरे क्या ओके ओके लगा रखा है, सुन तो ले पहले मेरी पूरी बात। अब ओके नहीं बोलो तो क्या बोलूं मैं? चलिए अच्छा मैं रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे इस गोरिल्ले का? पता है अब तक मोहल्ले के 2 लोगों को काट चुका है वो। हो सकता है अगला डिसीजन आप ही हो पंडित जी। अरे क्या अशुभ बातें बोल रहा है लौंडे। अरे अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी जवान बीवी को खिला देगा तू? हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? है टीका, फालतू की बकवास कर रहा तू? हाँ समझाई इसे टीका, एक बात बता। हाँ
तू कंगा से खिला दोगे पंडित जी की बीवी को? काम धंधा तो कुछ करना है, निखट्टू एक नंबर को है तू। तुम दोनों लौंडे ना बड़े छिछोरे हो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सक्सेना जी। कैसे हैं, क्या पंचायत चल रही है? अरे कुछ नहीं, बस वही गोरिल्ले के बारे में बातें हो रही है। अब तक दो लोगों को काट चुका है मोहल्ले में। हमने तो सोच के रखा है कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं तो लखनऊ चला जाता हूँ, जब पकड़ा जाएगा तब वापस आ जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी आप, मैं अभी अभी आ रहा हूँ कटवा के गोरिल्ला से। है जी, इतना अच्छा काटता, इतना मजा आया, आई लाइक इट। सक्सेना जी, सब आप जैसे पागल नहीं होते ना। आई लाइक इट। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भैया सुनो सुनो सुनो, सभी कॉलोनी के निवासियों सुनो, हमें जो सरकार ने ठहर जा, हमें जो सरकार ने ऑपरेशन दियो है तो ऑपरेशन गोरिल्ला की गिरफ्तारी, उसको हमने सक्सेसफुली पूरो कर दियो है। इसलिए आप लोग अपने घरों में अब चैन से रह सकते हो। ये का नारे लगा रहे हो, हम का शहीद हो गए हैं गोरिल्ला पकड़ने के लाने। ठीक है, दरोगा अप्पू सिंह जिंदाबाद, दरोगा अप्पू सिंह जिंदाबाद। दरोगा जी काहे चिलचिला रहे हैं? दरोगा जी आपने पुलिस की नौकरी छोड़ के अनाउंसर की नौकरी पकड़ ली है क्या? अरे क्या मुसीबत आ गई दरोगा जी, बताइए ना। अरे भैया तिवारी, मुसीबत आ नहीं गई, मुसीबत जो थी वो चली गई है। हमने गोरिल्ला को पकड़ के चिड़िया घर में डलवा दो। मतलब वो कमबख्त गोरिल्ला पकड़ा गया? अरे दरोगा जी सच बताइए, वो गोरिल्ला आप ही ने पकड़ा है क्या? अरे भैया हम ही ने पकड़ो और का। दरोगा जी आपको शर्म नहीं आई? आपने एक निहत्ते मासूम जानवर पे अत्याचार किया है। नहीं नहीं भाभी, वो सिर्फ एक मेडल के लालच में आपने उसको नर्क में ढकेल दिया। आप तो कायर है कायर, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाभी वो हमारा ड्यूटी है। हैवान है, हैवान। अरे हैवान है, चल रहे आगे। भाभी जी आप खुश नहीं है कि गोरिल्ला पकड़ा गया? जी नहीं तिवारी जी, आप खुश हो जाइए, मुझे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी खुश हो जाओ। भाभी जी, अनो 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 अनो, क्या हो गया भाभी जी को? अरे छोड़ो ना, पकड़ा गया ना गोरिल्ला, खेल खत्म, पैसा हजम, चलो पराठे बनाओ। डार्लिंग मैंने आज तुम्हारे फेवरेट आलू दम बनाया है, कम ऑन स्टार्ट। भाई खाना खाओ। नहीं खाना मुझे, भूख नहीं है मुझे, खा लो तुम पेट भर के। क्यों, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो, क्यों उदास हो? अच्छा अच्छा, उस गोरिल्ला के लिए? तो क्या करूं, खुशियां मनाऊं, डांस करूं, जश्न बुलाऊं? तुम खुद सोचो विभू, अगर तुम्हें कोई मुझसे अलग करके चिड़िया घर में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? I'll feel good. क्या? I will not feel good. I will not feel good at all. Exactly. मैं यही तो कह रही हूँ, उस गोरिल्ला का भी कोई प्यार होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई बीवी होगी, मिस कर रही होगी उसे। I know. जब वो किचन में गंदे बर्तन देखती होगी तो उस बेचारे को बड़ा मिस करती होगी। बस तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए मुझे ताना मारने के लिए। तो सॉरी यार, तुम खाना खाओ ना। खिला तो दिया तुमने तानों का डिनर, भर गया पेट मेरा। अजी भैया, इस गोरिल्ला की वजह से पूरे इलाके में भूचाल आया हुआ है, इसका शोक मना रही है। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, गोरिल्ला हमसे बेटर है। अनो यार कहाँ चले गई, खाना भी नहीं खाया इसने। अनो अनो, अरे भाई खाना तो खा लो। अनो अनो अनो,
भाभी जी, भाभी जी। What happy ending, Barbuti ji? Abhi ji, it's not what happy ending, it's what happened. Asi pakde hai. Kya hua? Kya aafat aa gayi? Ab khud dekh lijiye. Arey gadar. Arey kya hua? Khud bataiye. Arey dekhiye. Kya hua kya? Khud apne aap dekhiye aap. Arey dekh rahe hain lekin arey apne aap se dekhiye, dekhiye kya hua? Arey aise kya? Arey kya? Kya? Ye dekhiye. Hain? Ye. Kya? Idhar. Hai diya. Mera guru, mera guru. Mera guru. देख तो इस बार चिड़ियाघर से फिर से भाग आया है, लेकिन मुझसे प्रॉमिस कर कि तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरा गोरू। और जब भी तुझे मेरी याद आएगी तू ऐसे ही मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? मेरा गोरू। आहा, गोरू। ये तो कमबख्त गोरिल्ला बाजी मार ले गया। विभु, 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 उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठो विभु, 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 उठो। अरे सोने दो ना यार, ऐसी क्या आफत आ गई है? विभु, आफत आ गई है, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। अपना सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे यार? विभु, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारे खून की सख्त जरूरत है। अनु, लोग सुबह सुबह दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, कभी कभी तो सुबह वाइन भी पी लेते हैं, लेकिन तुमने ये क्या आदत पाल ली है यार, सुबह सुबह खून पीने की? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा खून पीऊंगी? हाँ। क्या? नहीं, ऑफ कोर्स लगता तो नहीं है, लेकिन ना बनाओ। विभु, एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरी सहेली का सुबह सुबह फोन आया। हाँ। उसके हस्बैंड का ऑपरेशन था और उन्हें एक बॉटल खून की सख्त जरूरत है। एक बॉटल खून? तुमने इतना खून छोड़ा ही कहाँ है मुझ में? What? मेरे में एक बॉटल खून नहीं है, I'm sorry. विभु, देखो ना, मेरी सहेली ने मुझे बड़ी उम्मीद से फोन किया था और मैंने तो उसको अपनी जबान भी दे दी कि हम खून दे देंगे। उसके सुहाग को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है विभु। इस चक्कर में तुम्हारा सुहाग निकल ले वो तुम्हें चलेगा? चलेगा। है? तुम्हारा ना दिमाग घास चरने गया है। एक बॉटल खून दान करना पुण्य का काम होता है। Sorry. और मैं तुम्हें वो मौका दे रही हूँ। सॉरी सॉरी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देना है तो रहने दो, मैं ही जाकर अपना खून दे आती हूँ। कोई फायदा नहीं है। क्यों कोई फायदा नहीं है? तुम उसको खून दोगी फिर तुम्हें खून देने के लिए किसी और का आना पड़ेगा। वो मैं ही आऊंगा खून देने के लिए, तो फायदा क्या फिर? इससे अच्छा यह है कि मैं फर्स्ट हैंड खून दे आऊं। That's like a good boy. That's like a good boy. Vibhu. Yeah. Apple खाओ ना, खून बढ़ेगा। हमरे मुन्ने भूल ना जाना, हमरे खून का कर्ज चुकाना, हमरे खून का कर्ज चुकाना, हमरे मुन्ने। आप भरवती जी, आप? हाँ भाभी जी, भाभी जी, आज आपका मुन्ना खून का कर्ज चुकाने जा रहा है। मुन्ना? किसका मुन्ना, कहाँ है मुन्ना? अभी जो आप गाना गुनगुना रही थी, सही सिचुएशन में गाना था वो, कि मेरे मुन्ने भूल ना जाना खून का कर्ज चुकाना, तो आज आपका मुन्ना खून का कर्ज चुकाने जा रहा है। भाभी जी, हम ना ही समझ पाए। भाभी जी, मैं आज खून देने जा रहा हूँ, ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। हदिया, किसको खून देने जा रहे हैं? भाभी जी, अनु की एक दोस्त है, उसके हस्बैंड को। तो अनीता जी ना ही जा रही है का? वो खून देंगी तो उनको खून कौन देगा? का बोले? भाभी जी, अनु क्या किसी को खून देगी, उसमें खून है कितना, चिमरखी तो है वो। और माफ कीजिएगा भाभी जी,
वो पार्टी खून देने वाली नहीं, खून चूसता आई मीन खून लेने वाली पार्टी है। ये क्या बोल रहे हैं भरभूति जी आप? जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, और क्या। वैसे आपको एक बात बताए भरभूति जी? बताइए ना। हम भी खून देना चाहते हैं। नहीं भाभी जी, आपको आपको भगवान की कसम, आप खून नहीं देंगे भाभी जी। काहे हम काहे खून नहीं देंगे भाभी जी? आपका खून का एक एक कतरा हमारी जिंदगी है। आप खून नहीं देंगे भाभी जी, आप खून बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, अगर जिंदगी किसी मोड़ पर मुझे खून की जरूरत पड़ी तो कम से कम मुझे एक कटोरी खून दे दीजिएगा। इस बात की तसल्ली रहेगी कि कुछ ना ऐसा ही कम से कम भाभी जी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, भाग रहा है। खून ये का बोले हमको कुछ समझ में नहीं आया।